साबिया सैफी रेप हत्याकांड को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, निकाला कैंडल मार्च। साउथ ईस्ट दिल्ली में सिविल डिफेंस साबिया नाम की लड़की को कथित 50 चाकू मारकर और प्राइवेट पार्ट काट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक्स निगम पार्षद ने पीड़ित की मदद के लिए आगे आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। एक ऐसी घटना संगम विहार में रहने वाली लड़की जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस में काम करती थी, जिसकी रहस्यमय डेड बॉडी हरियाणा सूरजकुंड में मिली। बता दें कि दिल्ली की साबिया मर्डर केस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग कैंडल मार्च निकालकर सरकार से निष्पक्ष इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने साबिया के दरिंदों को फांसी लगाने की गुहार लगाई है। लोगों ने दिल्ली में साबिया हत्याकांड पर आक्रोश जताते हुए नगर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सपा के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने कहा कि गत सप्ताह दिल्ली में कार्यरत ठाकुर द्वारा की बिटिया साबिया सैफी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से पूरे देश में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि साबिया सैफी के साथ इंसाफ और हत्यारों को शीघ्र फांसी की सजा दी जाए। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हकीमे खान उर्फ हाजी हसन ने कहा कि जब डिफेंस सर्विसेज की महिला कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम बेटियों की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। उन्होंने साबिया की निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाए जाने की मांग की। साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा जल्द से जल्द पूरी घटना का खुलासा किया जाए। वहीं धामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मछली बाजार में एकत्रित हुए, जहां से सपाई हाथों में मशाल लेकर जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भगत सिंह चौक पर पहुंचे। भगत सिंह चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हाजी कलाम अंसारी, लाल बहादुर सिंह, सरदार गुरमीत सिंह जुनेजा, धर्मवीर जोशी, खुर्शीद अंसारी चायवाले, नासिर अंसारी, अरमान अली, नसीम राणा, सलाउद्दीन, कमाल सिद्दीकी, कृपाल सिंह सैनी, जावेद सैयद, जिशान खालिद, अबुल अंसारी, इमरान अंसारी, मुदित गुप्ता आदि शामिल रहे। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके।